ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। औरतें अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने। नंबर 1, बारिश के दिनों में मसाले को खराब ना होने से बचाने के लिए कांच के जार में भर कर रख ले। मसाले में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जिससे मसाले में गांठें ना पड़े। नंबर 2, प्याज काटने के बाद अक्सर हाथों पर इसके महक रह जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए अपने हाथों पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मले और धो ले। नंबर 3, सलाद काटते समय हमेशा सब्जियों को तिरछा काटे, ताकि उनका रस बरकरार रहे। नंबर 4, दाल को जल्दी पकाने या स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी हल्दी और तेल की कुछ बूंदे डालें। नंबर 5, टमाटर से छिलका हटाने के लिए टमाटर पर क्रॉस बना ले, फिर उन्हें उबाल ले। आसानी से टमाटर के छिलके निकल जाएंगे। नंबर 6, ग्रेवी का रंग अच्छा रखने के लिए थोड़े से चुकंदर का मसाले के साथ कद्दूकस कर ले। नंबर 7, बेसन में उड़द का दाल का थोड़ा सा पेस्ट मिलाने से पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है। नंबर 8, अदरक लहसुन को ग्राइंड करते समय उसमें थोड़ा सा नमक और तेल डाल दे, फिर स्टोर रखे, जिससे ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा। नंबर 9, चिकन को मैरिनेट करते समय उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाए, जिससे चिल्ली चिकन सॉफ्ट बनेगा। नंबर 10, बूंदी का रायता बनाते समय उसमें नमक और मसाला मिलाकर डायरेक्ट दही में डालें, जिससे रायता टेस्टी बनेगा। नंबर 11, मूंग दाल का चिल्ले बनाते समय उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला ले, इससे चिल्ले कुरकुरे बनेंगे। नंबर 12, ग्रेवी में घी ज्यादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दे, इससे घी जम जाएगा और आप आसानी से निकाल पाएंगे। नंबर 13, सब्जी बनाते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्री को एक साथ ना डालें, बल्कि जो चीज़ पकाने में ज़्यादा समय लेती है उन्हें पहले डालें और जो जल्दी पकते हैं उन्हें बाद में डालें। नंबर 14, बेसन की बर्फी में थोड़ी सी सूजी डालें, इससे बेसन की बर्फी दानेदार और टेस्टी बनेगी। नंबर 15, दही जमाते समय उसमें थोड़ा सा नारियल के टुकड़े डाल दें, इससे दही ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेगी। नंबर 16, बेलन को 4-5 मिनट फ्रिज में रखने के बाद रोटी बनाए, इससे रोटी बनाते समय आटा बेलन में नहीं चिपकेगा। नंबर 17, लच्छा पराठा बनाते समय लच्छे को कुछ समय फ्रिज में रखें, फिर सेके, एक एक परत आराम से उतरेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।